Today we will start with problem number 2 of issue of shares. Issue of shares topic ka problem number 2. Modern Chemicals Company Limited made an issue of 15,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 10 rupees per share payable as follows. First sentence, Modern Chemicals Company Limited made an issue of 15,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10 per share payable as follows. यहाँ पे underline करना है at a premium of 10 rupees per share. यहाँ पे underline करना है at a premium of rupees 10 per share. आपको rates दिए on application rupees 20, on allotment rupees 40. ब्रैकेट मिल गया है इंक्लूडिंग प्रीमियम. ऑन फर्स्ट कॉल रुपीज 30, ऑन फाइनल कॉल रुपीज 20. एप्लीकेशन है 20, अलॉटमेंट है 40, फर्स्ट कॉल है 30, फाइनल कॉल है 20. ये सारे रेट्स का जो टोटल है, ये सारे रेट्स का टोटल आ रहा है आपका 110. एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, इसका जो टोटल है, इसका टोटल आपका आ रहा है 110. द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स एंड दीज वेयर अलॉटेड. यहां पे अंडरलाइन करना है कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स. तो आपको जो कैलकुलेशन जो करना है, कैलकुलेशन आपको 10,000 शेयर्स का कैलकुलेशन करना है. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स, तो जर्नल एंट्री का जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन आपको 10,000 शेयर्स का करना है. फर्स्ट एंट्री जो है आपको जर्नल को टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न केमिकल्स कंपनी लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मॉडर्न केमिकल्स कंपनी लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. तो जर्नल एंट्री लिखना है पर्टिकुलर कॉलम में. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स. एंट्री का कैलकुलेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000, इसको मल्टीप्लाई करना है. एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 10,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है. एप्लीकेशन का रेट है 20 रुपीज, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ एप्लीकेशन है रुपीज 20, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 20. तो ये जो डेट कॉलम है आपको मल्टीप्लीकेशन दिखाना है 10,000 × 20. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. तो फर्स्ट एंट्री का अमाउंट आएगा आपका 2 लाख.
फर्स्ट जर्नल एंट्री अमाउंट इसका 2 लाख। नरेशन आपको दिया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। सेकेंड जर्नल एंट्री है फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग एप्लीकेशन मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेकेंड जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ दिस फर्स्ट एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इसका अमाउंट है 2 लाख। ये जो 2 लाख रुपीज है ये 2 लाख रुपीज से ही आपको ये सेकेंड एंट्री करना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इसका जो अमाउंट है इसका अमाउंट ये प्रीवियस एंट्री में है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है ये प्रीवियस एंट्री में है। तो सेकेंड जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड में 2 लाख। तो फर्स्ट एंट्री में जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट है यही अमाउंट आपको सेकेंड जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के सामने लिखना है। तो सेकेंड एंट्री हो गया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री है फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इन दिस प्रॉब्लम आपको अलॉटमेंट का रेट दिया 40 रुपीज। अलॉटमेंट का रेट दिया है 40 रुपीज। आगे ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहां पे अंडरलाइन करना है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इन दिस प्रॉब्लम आपको अलॉटमेंट का जो रेट है ₹40। ये 40 रुपीज के आगे ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो थर्ड जर्नल एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। थर्ड जर्नल एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। तो जर्नल एंट्री आपको विथ प्रीमियम अकाउंट से एंट्री करना है। तो राइट द थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। इसका नरेशन थर्ड एंट्री का नरेशन
50 शेयर्स विथ प्रीमियम। नरेशन जो है, नरेशन इज बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स विथ प्रीमियम। एंट्री का कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री का कैलकुलेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसका नंबर है 10,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। अलॉटमेंट का जो रेट है, अलॉटमेंट का रेट है 40 रुपीज। एप्लीकेशन रिसीव्ड है 10,000, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का रेट है 40 रुपीज। तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 40 रुपीज, ये आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट। 10,000 शेयर्स इनटू 40 रुपीज, ये क्या है? 40 रुपीज ये अलॉटमेंट का रेट है। तो 10,000 इनटू 40, अलॉटमेंट अमाउंट आ गया 4 लाख। अभी इक्विटी शेयर प्रीमियम, इक्विटी शेयर प्रीमियम, ये जो प्रीमियम का जो रेट है, प्रीमियम का रेट आपको पहले पहले ग्राफ में, इक्विटी शेयर प्रीमियम इसका जो रेट है, इसका रेट आपको फर्स्ट लाइन में दिया है। प्रॉब्लम का पॉइंट फर्स्ट लाइन, मॉडर्न केमिकल्स कंपनी लिमिटेड मेड एन इश्यू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। प्रीमियम जो है, प्रीमियम का रेट आपको दिया है 10 रुपीज पर शेयर। तो ये जो प्रीमियम का रेट है 10 रुपीज पर शेयर, तो 10 रुपीज इसको मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशन रिसीव्ड 10,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रीमियम का जो रेट है, प्रीमियम का रेट आपको दिया है 10 रुपीज, तो इक्विटी शेयर प्रीमियम का अमाउंट 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज। ये जो 10 रुपीज रेट है, ये 10 रुपीज आपको प्रॉब्लम के फर्स्ट लाइन में दिया है। प्रॉब्लम का जो फर्स्ट लाइन है, प्रीमियम ऑफ रुपीज 10 पर शेयर, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10, तो इक्विटी शेयर प्रीमियम का अमाउंट आ गया 1 लाख। इन द क्रेडिट कॉलम, इक्विटी शेयर प्रीमियम का अमाउंट 1 लाख रुपीज इन द क्रेडिट कॉलम। अभी रहेगा इक्विटी शेयर अलॉट कैपिटल का अमाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है, ये डिफरेंस निकालना है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के सामने डेबिट कॉलम में 4 लाख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने डेबिट कॉलम में 4 लाख, इसमें से माइनस करना है यह इक्विटी शेयर प्रीमियम क्रेडिट कॉलम का 1 लाख। तो 4 लाख में से क्या करना है, 4 लाख में से ये 1 लाख माइनस करना है। तो 4 लाख माइनस 1 लाख डिफरेंस आ गया वो इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने इन द क्रेडिट कॉलम 3 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है क्रेडिट कॉलम में 3 लाख, 4 लाख में से क्या किया है, 4 लाख में से ये 1 लाख माइनस किया हुआ है। तो 4 लाख माइनस 1 लाख डिफरेंस मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने लिखा है। फोर्थ एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो जर्नल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4th entry जो है, 4th entry है बैंक अकाउंट डेबिट 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
इसका नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, अमाउंट जो है थर्ड एंट्री में अपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखा है 4 लाख, थर्ड जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट है 4 लाख, तो ये जो अमाउंट है 4 लाख यही अमाउंट से आपको ये फोर्थ एंट्री करना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट कहां पे है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट ये प्रीवियस एंट्री में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट प्रीवियस एंट्री में विच इज 4 लाख, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अमाउंट इज 4 लाख, इसका नरेशन है बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, नरेशन इसका बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। फिफ्थ एंट्री है फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फिफ्थ एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, तो फिफ्थ एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स, एंट्री का कैलकुलेशन जर्नल एंट्री है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री का कैलकुलेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड है 10,000, इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉल का जो रेट है, फर्स्ट कॉल का रेट है 30 रुपीज, एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 10,000 शेयर्स, दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ द फर्स्ट कॉल का रेट है 30 रुपीज, तो 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 30, 10,000 शेयर्स इनटू 30, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल इसका अमाउंट आ गया आपका 3 लाख। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट है 3 लाख, इसका नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री जो है एंट्री नंबर सिक्स फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन इक्विटी शेयर्स, फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, तो जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंट्री नंबर 6।
तो सिक्स एंट्री जो है, सिक्स एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसका नरेशन लिखना है। एंट्री नंबर सिक्स का नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इसका अमाउंट, अमाउंट जो है अमाउंट आपको ये प्रीवियस एंट्री से लेना है। एंट्री नंबर फाइव इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 3 लाख, तो ये 3 लाख रुपीज से आपको ये एंट्री करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑफ दिस 3 लाख, इसका नरेशन है बीइंग, नरेशन इसका बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, नरेशन है बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है 3 लाख, ये 3 लाख रुपीज से एंट्री नंबर सिक्स किया हुआ है। एंट्री नंबर सेवन, एंट्री नंबर सेवन फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, तो सेवेंथ एंट्री है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका कैलकुलेशन। एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 10,000 शेयर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये जो फाइनल कॉल का रेट है, फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीज, एप्लीकेशन रिसीव 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीज, तो 10,000 शेयर्स इंटू 20, 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फाइनल कॉल का रेट है 20 रुपीज, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट है इसका 2 लाख। Now the last entry, last journal entry number 8, last entry number 8, for final call money received, for final call money received, तो journal entry है, bank account debit to इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, लास्ट एंट्री जो है लास्ट एंट्री नंबर 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस लास्ट एंट्री के लिए आपको प्रॉब्लम के अंदर लास्ट सेंटेंस देखना है, ये जो लास्ट एंट्री है इसका जो कैलकुलेशन है, इस लास्ट एंट्री के कैलकुलेशन के लिए आपको प्रॉब्लम का लास्ट लाइन देखना है, सेकंड सम जो सेकंड सम का लास्ट लाइन, वन शेयर होल्डर मिस्टर रमेश होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, लास्ट सेंटेंस आपको दिया है, वन शेयर होल्डर मिस्टर रमेश होल्डिंग 2000 शेयर्स फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, रमेश के ये जो 2000 शेयर्स है, रमेश के 2000 शेयर्स
ऑन 2000 शेयर्स। तो रमेश के 2000 शेयर्स क्या करना है, रमेश के 2000 शेयर्स ये आपको माइनस करना है फ्रॉम एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड का नंबर है 10,000 शेयर्स माइनस रमेश इज नॉट पेइंग, रमेश इज नॉट पेइंग फाइनल कॉल मनी ऑन हिज 2000 शेयर्स। तो रमेश के 2000 शेयर्स क्या किए, रमेश के 2000 शेयर्स माइनस किए एप्लीकेशन रिसीव्ड में से माइनस किए, बिकॉज रमेश इज नॉट पेइंग, रमेश इज नॉट पेइंग फाइनल कॉल मनी ऑन हिज 2000 शेयर्स। तो 10,000 में से 2000 माइनस किया, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 8,000 शेयर्स। अभी जो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल का रेट 20 रुपीज। शेयर जो है शेयर से 8,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फाइनल कॉल है 20 रुपीज। तो लास्ट एंट्री जो है, लास्ट एंट्री का कैलकुलेशन 8,000 शेयर्स इंटू 20, 8,000 नंबर कैसे आया, एप्लीकेशन रिसीव जो है, एप्लीकेशन रिसीव्ड है 10,000। रमेश क्या है, रमेश है डिफॉल्टर है, रमेश इज अ डिफॉल्टर, रमेश इज नॉट पेइंग, रमेश इज नॉट पेइंग फाइनल कॉल मनी टू द कंपनी ऑन हिज 2000 शेयर्स। तो रमेश के 2000 शेयर्स 10,000 में से माइनस किए, तो रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 8,000, और 8,000 को मल्टीप्लाई किया फाइनल कॉल का रेट 20 रुपीज। तो 8,000 इंटू 20, तो लास्ट एंट्री जो है इसका अमाउंट आएगा आपका 1,60,000। 8,000 इंटू 20 जर्नल एंट्री का अमाउंट आ गया 1,60,000। इसका नरेशन, नरेशन है बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स। नरेशन इसका बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 इक्विटी शेयर्स। ये आपके इशू ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम नंबर सेकंड के जर्नल।